इंदौर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। इंदौर के मल्हारगंज थाना पुलिस ने गाड़ी की डिक्की से रुपए चोरी करने वाली गैंग का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने इंदौर में 2 वारदातें करना कबूल की है। इंदौर मल्हारगंज पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जो पता पूछने के बहाने गाड़ी की डिक्की से रुपए उड़ा दिया करता था। दरअसल 4 जनवरी को मल्हारगंज थाने में फरियादी नितेश जैन ने थाने पर शिकायत की थी। वे अपने नौकर के साथ जा रहे थे, तभी रास्ते में 2 युवक मिले और पता पूछा और इतनी ही देर में उनकी डिक्की में रखे 3,90,000 रुपए गायब हो गए। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को पकड़ने के लिए एक पुलिस की टीम गठित की, साथ ही वारदात वाली जगह के सीसीटीवी फुटेज निकलवाए। पुलिस के लिए एक चुनौती थी। गुजरात के कुछ लोगों को फुटेज दिखाने के बाद ये पता चला कि ये अहमदाबाद की एक गैंग है जिसका सरगना राजपाल इंदरकार है। सूचना के बाद इंदौर पुलिस टीम अहमदाबाद पहुंची और स्थानीय पुलिस की मदद से करीब 8 दिन के बाद गैंग के मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने अपने 5 साथियों के साथ इंदौर में मल्हारगंज की घटना और एक छोटी ग्वालटोली थाना चेक में डिक्की से रुपए निकालने की वारदात कबूली है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर गैंग के 5 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि इंदौर पुलिस ने पहली किसी अन्य राज्य में जाकर गैंग को गिरफ्तार किया है। सूचना पर से थाना मल्हारगंज की टीम पिछले 7 दिन से अहमदाबाद में कैंप कर रही थी और स्थानीय पुलिस के सहायता से हमारी टीम को इस गैंग के सरगना को पकड़ने में सफलता मिली और उसने अपने अन्य 5 साथियों के साथ थाना मल्हारगंज की डिक्की तोड़कर 3,89,000 रुपये तथा ग्वालटोली से डिक्की तोड़कर 2,00,000 रुपये जो निकाले वो दोनों घटनाएं स्वीकार की। इसके अतिरिक्त पूर्व की घटनाओं के बारे में तथा इनकी जिले में लोकेशंस को वेरीफाई करते हुए पूछताछ की जा रही है। उम्मीद है कि कई और घटनाओं का खुलासा होगा। पहली बार दूसरे राज्य से इस तरह की गैंग के लीडर को लाकर इस प्रकार की घटनाओं की पतारसी करने तथा पुलिस को आगे एक लीड देने के लिए इस टीम को मेरे द्वारा 10,000 रुपए के नगद इनाम से पुरस्कृत किया जाए। फिलहाल पुलिस आरोपियों से अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ कर रही है। वहीं खुलासा करने वाली पुलिस टीम को एसपी ने 10,000 रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।